लिए 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान में सियासी संग्राम के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट गुट के बीच जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। रिश्तों में इस बर्फ को पिघलने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका से पिछले साल प्रदेश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। अब महेश जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। पिछले साल सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की बगावत के बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 13 जुलाई 2020 को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सक्षम एक याचिका दायर करके सभी विधायकों पर पार्टी व्हिप के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस पर स्पीकर ने 16 जुलाई को सभी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था, लेकिन पायलट गुट ने स्पीकर के समक्ष पेश ना होकर नोटिस को ही हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। इस पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 24 जुलाई को स्पीकर को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इस बीच महेश जोशी ने एसएलपी को वापस ले लिया है और एसएलपी को बरकरार रखा है। स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से स्पीकर के अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ है, ये एक संवैधानिक प्रश्न है, इसे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हम एसएलपी वापस नहीं लेंगे। इस बीच सचिन पायलट गुट से सरकार की सुलह हो गई है। 14 अगस्त 2020 को सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। इससे सरकार पर कई तरह से सवाल उठ रहे थे। जानकारों का कहना है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन के कहने पर एसएलपी वापस लेने की अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन अब लग रहा है कि अशोक गहलोत पायलट को लेकर अपना रुख नर्म कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।